बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहू। दसवीं क्लास के साथ आज हमारा उर्दू का लेक्चर है। हमने ये सबक पढ़ा था एक दिलचस्प सफ़र, अलामा शिबली नुमानी ने ये लिखा है। आपकी किताब क्या है? सफ़ा नंबर 48, 48 पेज है आपकी बुक का। सबक का नाम है एक दिलचस्प सफ़र, मुसन्निफ़ हैं अलामा शिबली नुमानी। सबसे पहले लफ्ज़ अलामा को देखें। अलामा का माना होता है बहुत ज्यादा इल्म रखने वाली शख्सियत। शिबली का नाम है, नुमानी का लकब है। बेटा हमने ये सबक सारा पढ़ लिया था, आज हम इसका खुलासा आपके सामने रखेंगे। अलामा शिबली नुमानी लिखते हैं कि जर्मन मुसाफिर हमारे जहाज में सवार हुआ था अदन के मुकाम पर। हम जहाज में सफर कर रहे थे, जहाज पानी में जा रहा था, जब अदन के मुकाम पर पहुंचा। अदन एक मुल्क का नाम है। वहां पहुंचा तो वहां से एक जर्मन सवार हुआ जो जर्मनी के रहने वाला था और जर्मनी के अजायब खाना यानी जर्मनी के म्यूजियम में काम करता था। वो जब हमारे जहाज में सवार हुआ तो वो बहुत सारी जुबानें जानता था। अलामा शिबली नुमानी कहते हैं वो जहाज के अमले से इतालियन में गुफ्तगू करता था, मिस्टर आर्नल्ड से अंग्रेजी में, मुझसे अरबी में। उसकी इस खूबी ने मुझे बहुत ज्यादा मुतासर किया कि वो बहुत सारी जुबानों में गुफ्तगू करता है। नंबर दो, सियाहत और तजारत। वो जो जर्मन था उसे सैर व तफरी का शौक था और तजारत का शौक था। एक मुल्क से दूसरे मुल्क और खास तौर पे अरब ममालिक से अफ्रीका के ममालिक में वो बहुत सारी चीजें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता था। जब जो जहाज में सवार हुआ तो उसके पास एक बहुत बड़े पिंजरे में मुख्तलिफ बंदर थे। अलामा शिबली नुमानी कहते हैं बंदर तो हमने पहले भी देखे थे, लेकिन जब हम उन बंदरों की तरफ जाते थे तो वो बंदर हमें देखकर शोर मचाते थे और जब वो आवाजें निकालते थे तो उस उनकी आवाजों में से साफ हरूफ सुनाई देते थे। वो हरूफ कौन कौन से थे? जैसे लाम और या कह रहे हैं। कहते हैं जैसे हम बिल्ली की आवाज को म्याऊं से ताबीर करते हैं, म्याऊं से तशबीह देते हैं, फर्ज कर लेते हैं, इसी तरह हम बंदर की आवाज से लाम और या के हरूफ फर्ज कर सकते हैं। कहते हैं अगर पर्दे के पीछे हम सुने तो लगेगा ही नहीं कि कोई बंदर बोल रहा है, ऐसा लगेगा कि कोई बंदा ही आवाज निकाल रहा है। तो फिर कहते हैं इस पे जब तहकीक हुई तो इस पे तहकीक करने के बाद लोगों ने यह दरियाफ्त किया, तलाश किया कि वाकई बंदर भी बोल सकते हैं। कहते हैं जहाज हमारा चल रहा था, एक सुबह ऐसी आई कि जहाज का इंजन खराब हो गया। जब जहाज में यह वाकया पेश आया, इंजन खराब हुआ, तो हम इस तनाव में चले गए, परेशानी में चले गए। हम परेशान हो गए, अब क्या बनेगा, अभी जहाज डूब जाएगा। इसी परेशानी के आलम में मैं मिस्टर आर्नल्ड के पास गया। मिस्टर आर्नल्ड को किताबों का मुताले का इल्म का बड़ा शरफ था, तो वो सुकून और इत्मीनान के साथ किताब पढ़ रहे थे। तो मैंने मिस्टर आर्नल्ड से कहा कि आपको पता नहीं है जहाज का इंजन खराब हो गया? तो उन्होंने कहा हाँ पता है जहाज का इंजन खराब हो गया। तो अलामा शिबली नुमानी कहते हैं मैंने कहा फिर आपको कोई परेशानी नहीं हुई कि जहाज का इंजन खराब हुआ है और आप परेशान हो कि कहीं जहाज डूब ना जाए? जी मैं क्यों परेशान हूँ, मिस्टर आर्नल्ड ने जो हरूफ कहे वो सुनहरी हरूफ है। उन्होंने कहा जहाज को अगर डूबना है या बचना है वो एक अलग मसला है, ये जो मुझे थोड़ा सा भी वक्त मिला है इस काबिल कदर वक्त को मैं इस तरह जाया नहीं करना चाहता। इस थोड़े से वक्त को मैं वो भी मैं मुताले की नजर करना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, कुछ हासिल करना चाहता हूँ। कहते हैं फिर 8 घंटे के बाद जहाज ठीक हो गया, फिर पहले की तरह चलने लगा। बेटा इस सबक से हमें ये चीज हासिल होती है कि इंसान हर वक्त सीखने की कोशिश करे, अगर वो सफर में भी है तो चीजों के बारे में गौर व फिक्र करे। आप में से हर कोई अपना अपना एक सफर, पिछले सफर याद करें या अगला सफर कोई करें तो आप भी अपना एक सफरनामा लिखें। ये आपका होमवर्क है। कैसे लिखेंगे? बिलफर्ज हम में से कोई अगर कराची गया है तो अब कराची के सफर के दौरान रास्ते में क्या क्या मसला पेश आया उसके बारे में गौर व फिक्र करें, वहां क्या क्या देखा उसके बारे में गौर व फिक्र करें, और फिर आपका कोई अजीब वाक्या पेश आ जाता है उसको नोट कर लें, तो ये आपका भी सफरनामा तैयार हो जाएगा। इस सबक के पढ़ने का मकसद ये है कि इंसान अगर अपनी सारी उम्र इल्म की
तलाश में लगा दे, इल्म के हसूल में लगा दे, तो वो कामयाब हो जाएगा। अगर हमने इस वक्त की कदर नहीं की तो याद रखो ये वक्त अगर इसकी कदर करोगे तो तुम्हें हीरो बना देगा, अगर इसकी कदर नहीं करोगे तो ये तुम्हें जीरो बना देगा। वक्त की कदर करो, अपने आप को इल्म की नजर कर दो। बेटा आपने ये सारी इसकी मशक कर ली है, आखिरी सवाल है वो नोट कर लें। आपने जुज अलिफ और जुज बे में से हम माना अल्फाज लिखने थे, अब मैंने वो किताब के हम माना अल्फाज लिख लिए हैं। मुतअज्जिद बार, इसका हम माना लफ्ज है कई बार, इस्तराब, परेशानी, हैरत, ताज्जुब, गुल, शोर, इस्तकलाल, साबित कदमी, मुनाजिम, नौकर, इस सब का खुलासा आप लिखेंगे। और इसको भी जिस तरह मैंने ये आपको पॉइंट की सूरत में बताया, ये पॉइंट यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन खुलासे में पॉइंट नहीं लिखेंगे, तरतीब से लिखें। आपकी किताब के दो सफ़े हैं तो कम से कम एक या सवा सफ़ा आप खुलासे का लिखकर चेक करवा दें। शुक्रिया।